राम राम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सुबह का 8 बज चुका है और हमारे नए ब्लॉग में सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम फिलहाल व्यापार बिहार बाजार समिति में हम चल आए हैं, गाड़ी लेके ढुक गए हैं और मौसम आप लोग देख सकते हैं खराब है, बारिश का होने संभावना है। बारिश अब गिरेगी तब गिरे, पहले पानी गिर चुका है इसका, पहले गाड़ी खड़ा खड़ा पड़े पड़ रहा था तो बड़ा घूम घुमा। बहुत कंडस्ट इलाका है, व्यापार बहुत साल हो गए हम आए थे, उस समय इतना नहीं था उधर में भीड़, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा काफ़ी है। और देखिए यही सब गोडाउन बना हुआ है, व्यापारी लोग का अपना माल ड्रेवरी होता है, लोड होके जाता है, माल आता है, खाली होता है यहाँ पे। और यही चारों तरफ देख सकते हैं आप लोग, आगे चौक से हम आए यहाँ पे और अंदर में है, इसे मालूम नहीं चलेगा रोड से कि इधर में बाजार समिति है, लेकिन हाँ खुला जगह बना हुआ है पूरा, देख सकते हैं इस पर चारों तरफ में गाड़ी भी गाड़ी लगा सकते हैं। अरे पार्किंग बोलते हैं लोग, गाड़ियाँ बहुत सारा माल लेकर आई है, महाराष्ट्र से भी, बिहार से भी, हर जगह से, उड़ीसा से भी, हर जगह माल लेकर आई है। तो हम लोग पहुँच गए हैं, पार्टी का तो कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है मेरे पास में, लेकिन हम खड़ी कर दिए हैं, ऐसे नाम से मालूम चला कि उधर कहीं दुकान है तो खुद आएंगे, नंबर लेंगे, फिर होगा टाइम तो फिर उनको कॉल किया जाएगा, चाहे खुद कॉल करेंगे। यहाँ पर गाड़ी पहुँच चुका है तो जहाँ लगाने के लिए बोलेंगे वहाँ लगा के हम लोग खाली करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग, बरस वरस हम लोग करते हैं, उसके बाद में फिर चाय दुकानों में खुल गया तो पिया जाएगा। दोस्तों पार्टी से मुलाकात हो गई, बिल्टी चलान दे दिए, गोडाउन में जाकर देख लिया, मैं जा रहा हूँ, देखिए व्यापार बिहार है और गाड़ी लेके जा रहा हूँ वहाँ गोडाउन में लगाने के लिए, लेबर भी आया था हमारे पास में, मेरा देखिए बन रहा है दाल, ऊँची का दाल बन रहा है, कड़का बनेगा और चाप बन चुका है, तो देखिए सीटी भी आवाज करेगा ऊपर जो होगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं, गाड़ी लगा दिए हैं, देखिए गोडाउन में, चंदन भाई ऊपर में है, जा रहे रासा तिरपाल खोलने के लिए, बारिश का मौसम है, पूरा तिरपाल नहीं खोलना है, सिर्फ पीछे से तिरपाल हम लोग खोलेंगे, ठीक ना, और पीछे पीछे माल उतर जाएगा अपना गाड़ी का, तो चलते हैं पीछे का डाला खोलते हैं तिरपाल, यहीं पे आई है गाड़ियाँ लेके माल। हम बगल में पार्क है, ये जो दिख रहा है ना बाउंड्री, आपका पार्क है, बहुत बढ़िया पार्क बना हुआ है। हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं, मेरा गाड़ी का डाला खुल गया, तिरपाल पीछे से हम लोग खोल दिए और मेरा गाड़ी अभी खाली होगा, लेबर भाई भी देखिए एकदम रेडी है खाली करने के लिए और भगवान भी एकदम गरज तरफ कर रहे हैं पानी पड़ने के लिए, तो ऊपर का तिरपाल नहीं खोले हम लोग, पीछे का खोले, पीछे पीछे हो जाएगा, माल नीचे नीचे है, तो ठीक है खाली कराते हैं गाड़ी को। देखिए दोस्तों, पूरा कुर्थी का दाल को बढ़िया से उबाल लिए थे धो के, और ये उबलने के बाद हल्का ब्राउन हो जाता है, इधर मेरा तेल भी गर्म हो गया, तो अब इसमें जीरा डालते हैं, जीरा डाल दिए, इसमें लहसुन प्याज मिर्चा भी काट लिए हैं, तो इसमें डालेंगे, इसे डाल कर इसको बने भूजेंगे और उसके बाद हम इसमें दाल को डाल के फ्राई करेंगे मसाले जैसे डाल कर। देखिए मेरा प्याज बढ़िया भूज चुका है, इसमें मसाला हम डाल दे रहे हैं, मसाला डाल के हम चला देते हैं, इसको भून दे रहे हैं, दाल को भी अब डाल दे रहे हैं इसमें कटोरी में करके, धीरे धीरे पूरा डाल देंगे और मिला देंगे बढ़िया से, खोल जाएगा तो उतार देंगे, क्योंकि मेरा दाल पूरा बढ़िया सीन चुका है। हमारा गाड़ी पीछे खाली हो रहा है दोस्तों, और देखिए कितना जोरों से बारिश होने लगा, पूरा देखिए कितना जोरों से बारिश हो रहा है, पूरा मौसम काला हो चुका है और बहुत ही जोरों से बारिश हो रहा है, हवा भी चल रहा है, गाड़ी पूरा पॉइंट पे लगा हुआ है, देखिए खाली होता है कि नहीं। अभी यही प्रॉब्लम खड़ा हो गया बीच में बारिश, अभी बारिश का मौसम है तो बारिश तो गिरेगा ही। 3 बज चुका है और हम लोग खाना तो बन गया था, काफी टाइम हो गया था बना हुआ, लेकिन गाड़ी खाली कर रहा था ना, इसी की वजह से हम लोग गाड़ी में थे पीछे, तो चंद्र बाबू नहीं गए हमारे चलते, और बहुत बारिश गिरा जम के, और गाड़ी मेरा खाली हो चुका है, थोड़ा बाकी रह गया करीब करीब लमसम 250-300, तो लेबर लोग भी गया नाश्ता पानी करने खाना, तो हम भी बोले चलो खा लेते हैं फटाफट, तो करते हैं भोजन, जय मानपूर्णा। और एक कुर्थी की दाल है, एक कुर्थी का तड़का बनवाए हम कल लिए थे, और ये चावल बड़ा बढ़िया मिला, चावल भी, तो चलिए भोजन करते हैं, जय मानपूर्णा। भूख लगा है बड़ा जम के हमको, एक नंबर, बहुत बढ़िया। शाम को 6 बज चुका है और हमारी ट्रक खाली हो गया, खाली हो गया, रेडी हो गया गाड़ी, अब जाते हैं, सुनते हैं कि सेठ जी बोल रहे थे कि पेमेंट भी लेना है, तो मान लो कितना लेना है, अब जाने के बाद में मालूम चलेगा, अभी हमको मालूम नहीं है, ठीक ना। तो पार्किंग में लगाते हैं गाड़ी और पूरा ओके हो गया, पानी भी गिर रहा है, देख रहे कितना पानी गिर रहा है, तिरपाल बांधा हुआ, तिरपाल में एक बूंद पानी अंदर नहीं जाता है, अभी अंदर का हम लोग का तिरपाल जो है ना दिए हुए बिछाने के लिए साइड में, अभी उसको समेटना है, तो
अभी जाएंगे ना तब छूटेगा पानी, तब समेटा जाएगा, कल कोयला लोड होगा तब खोल दिया जाएगा, और जाली हम लोग नहीं खोलेंगे, बांधा हुआ रहेगा। तो हम लोग चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या प्रोसेस है। दोस्तों 6:30 बज चुका है और अभी व्यापार बिहार में हम गाड़ी खड़ी करके यही पार्किंग में ला के गाड़ी खड़ी किए थे, तो उस समय कुछ नहीं था, सुनसाना था। और देख सकते हैं चारों तरफ में, यहाँ पे ये है ना कि लोकल देहात में छोटा छोटा टाउन में छोटा छोटा मार्केट में जो माल जाता है यहाँ से, ये मेन मार्केट है व्यापार बिहार, है ना, बाजार समिति का, तो यहाँ पर सब माल यहाँ पे उपलब्ध होता है। तो जितना गाड़ी है ना, छोटा गाड़ी देख रहे हैं ना, गाड़ी खड़ी है एक लाइन से, और देख रहे हैं कैसे लगा रहे हैं अपन, लगा लगा ठेला में ला लोडिंग कर रहे हैं। तो ये मार्केट मतलब लोड करके, और ये सब देहात में छोटा छोटा मार्केट कस्बे में चारों तरफ चल जाएगा। तो हम गाड़ी अंदर ला दिए हैं, अभी थोड़ा देर में मतलब 1-2 घंटे के बाद में फिर भीड़ खत्म हो जाएगा, रहेगा नहीं यहाँ पे, और फिर सुनसान हो जाएगा, देखेगा नहीं मिलेगा। और डेली का है काम है, डेली यही होता है, इसी तरह होता है। तो यही मार्केट है बिलासपुर का, व्यापार बिहार का, देख सकते हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, यही बिलासपुर का व्यापार बिहार, ये बाजार समिति है। यहाँ पे हर गाड़ी से माल आता, हर किस्म का माल, और हर गांव में सप्लाई होता है छोटे छोटे गाड़ी से। देखिए सब लोडिंग और लोडिंग में सब कुछ लगा हुआ है, और बहुत ही बड़ा है ये। अभी तो हम लोग छोटा सा पार्ट में है ना, और भी उधर जगह है, और भी बहुत पूरा फैला हुआ है, कम से कम बहुत दूर में ये फैला हुआ है, और बहुत ही बड़ा है ये। देखिए दोस्तों, पापा बड़ा और ये बड़ी लाए थे मंगौड़ी, और ये मिठाई लाए थे 2 पीस, तो हम खा गए, बड़ी भी मंगौड़ी भी खा गए, इतना बचा हुआ ये भी खा जाएंगे। अभी सुबह से हम लोग शाम को खाना खाए थे, तभी किए तो मिल गया, गरम गरम छरा रहा था, हम बोले चलिए हम भी खा लिए, 2 गो मीठा खाए, गुलाब जामुन और आलू गुंडा खाए, और ब्रेड पकड़े 1 ठो, तो चंदन भाव के लिए मंगौड़ी ले लिए 4 गो, 3 गो आलू बुंडा, 1 गो बरड़ पकड़ा, 2 गो मिठा लिए, 1 गो पहले ही मार दिए है। तो चलिए नाश्ता हो जाएगा भरपूर इनका। हेलो दोस्तों, अभी रात्रि के 9:30 बज चुका है। अभी देखिए ये व्यापार बिहार के पार्किंग में जिस समय गाड़ी हम लाए थे, उस समय बहुत काफ़ी आप लोग देखे होंगे भीड़ था, क्योंकि छोटा छोटा कस्बे से, बाजार से, मार्केट से लोग आते हैं, व्यापारी लोग छोटा छोटा अपना यहां से पूरा सामग्री ले जाते हैं लोगों को बीच में, मतलब अपना जरूरतमंद पूरा करने के लिए, तो 2 पैसा उनको भी कमाई हो जाता है, और इन आदमी को भी जरूरत पूरा हो जाता है। तो अभी देखिए एका दुका बच गया है, भाई लोग अपना रस्सा तिरपाल बांध रहे हैं, और बहुत सारा गाड़ियाँ जितना था उतना निकल गया, और बड़ा गाड़ियाँ खड़ी है, हमारी भी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। अब 11:30 बजेगा तो हम लोग भी यहाँ से निकल पलेंगे। अब काहे कि सामान जो मिलता है ना, वो मिलता है, जो सामान जो मिलता है ना, वो जिला स्तर पे बाजार समिति में, कहे कि दूर दूर से माल वहीं पे आता है, बड़ा गाड़ी वाला हम लोग लेके आते हैं वहाँ पे, जो जो सामान होता है तो यहाँ उतरता है, और बाकी सामान यहाँ से सब अलग अलग राज्य में, अलग अलग कस्बे में, गांव में, छोटा छोटा मतलब बाजार टाउन में माल यहाँ से जाता है। हेलो दोस्तों, देखिए हमारी गाड़ी किस साइड में खड़ी है, आप लोग देख सकते हैं सामने, अपना साइड में जा रहे हैं, और ये भाई सामने आ गया हमारा गाड़ी को, सामने घुस रहे हैं, ऐसे ऐसे बोलिए, देख लिए गाड़ी के सामने गाड़ी खड़ी है, देख सकते हैं गाड़ी का नंबर, हमारी गाड़ी का देख सकते हैं, ये पोजीशन आप देखिए गाड़ी का, देखिए कैसे गाड़ी खींचे, और देखिए कहाँ से गाड़ी आई है, बताइए, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, देख सकते हैं गाड़ी का पोजीशन, गाड़ी ऐसे ऐसे घूम गई, हमारी गाड़ी देख किधर से आ रही है, देखिए गाड़ी ये खड़ी है सामने गाड़ी, ठीक ना, अरे बोलेंगे हमारा गलती है, देख सकता हूँ पोजीशन गाड़ी का, देखिए एक गांव है, और ये भैया लोग यही खड़े थे सामने, देख सकते हैं ये खड़े हैं, पूरा ये दृश्य देखे हुए हैं, हमारी गाड़ी किस पोजीशन आ रही है, और कार वाले किस पोजीशन में आ रहे हैं, और आके हमारे गाड़ी कैसे घुस गए, भाऊ बोला पापा तो मैंने ब्रेक मार दिया गाड़ी को, और ऐसे ऐसे सीधा गाड़ी पूरा घूम गया, बोलिए बोलेंगे कि गाड़ी वाला गलती है,
ये पोजीशन है गाड़ी का और ये पूरा देखे हुए है कहानी। और मेरा गाड़ी देखिए कैसे खड़ी है और जानवर भी खड़ी है, यही रोड है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम निकलते हैं, वो भाग गए, देखिए क्या होता है आगे, क्या करते हैं। तो इस जगह का नाम इंद्रपुरी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यही जगह है और यहीं पे हमारा गाड़ी के सामने वो कार वाले घुस गए। हमारे पास गाड़ी सामने पहुंचे खड़ी है, वो फोटो वोटो खींच के ले गए, बोले कैसे मार दिया, बोले गलती आपकी है कि हमारी है, आप देख सकते हो मेरा गाड़ी पूछ रही है। फिर उन्होंने अब इससे ले गए, तो देखिए आगे क्या होता है, गाड़ी का फोटो खींचे, नंबर भी है। ठीक है दोस्तों, हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए होटल में और हम लोग का जो खाना लग गया है, तो देखिए भिंडी के भुजिया और प्याज, भिंडी भुजिया प्याज, और हमारा ये उड़ा है ठीक है कुर्थी वाला दाल बचा हुआ है, तो हम इसी के साथ में खाएंगे, क्योंकि उसमें टमाटर है, टमाटर बर्फी से खाटा और प्याज भी है इसमें, तो हम चलिए खाते हैं। जय मानपूर्णा, जय। चलिए भोजन करते हैं, बड़ा टिप नीचा है हमको खाने बोलेगा। हम लोग भोजन कर लिए, खाना खा के गाड़ी में आ गए और एक हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ। वो हादसा हुआ क्या कि आते आते आपको बिलासपुर जो बाईपास है ना उसके पहले अंदर में वो कार वाले आके, और हम चल रहे थे सीधे अपना डिवाइडर के साथ में, उसके बाद में उन्होंने मान लो क्या था, बंदा पिया था कि क्या था, वो आते आते एकदम ऐसे घूम, मेरा गाड़ी कैसे हो गए। चंद्र बोले कि पापा गाड़ी मैंने ब्रेक मार दिया, नहीं तो अगर ब्रेक नहीं मारता तो गाड़ी पूरा उसको गाड़ी को बजाड़ मार देता, पलटी करता, चाहे पूरा घसटेक के ले जाता, तो बचाव हो गया। तो हमने गाड़ी बैक किया, फिर वो गाड़ी सीधा किया, वो बोले आप मार दिए गाड़ी में, मैं बोला पागल हो गए क्या, गाड़ी में आपने मारे, हमारे को बोले हम तो बचा दिया, अपने साइड में आ रहा था। तो फिर वहाँ पर हम ब्लॉक व्लॉक बनाए उनका, और ब्लॉक व्लॉक बनने के बाद में फिर वो मेरे गाड़ी का फोटो खींचे और वो फिर चले गए, कहा कि दो आदमी वहाँ मौजूद थे, वो बोले कि आपने गाड़ी को मारा है, गलती आपकी है। तो ठीक है दोस्तों, क्या कीजिएगा, होता है, क्या किस्मत था, अब क्या बता सकते, तो कोई बात नहीं, देखिए अब आगे क्या होता है, अगला क्या एक्शन लेता है, फोटो खींच के लगे है तो नंबर के अनुसार। तो हम भी ब्लॉक बना लिए हैं दो गो तीन को, कोई दिक्कत नहीं है, और हमारा उसमें कोई गलती सारा उसी का है, बंदा को हम तो बाबू को बोले कि बाबू बोले ब्लॉक बनाओ, ऐसे गाड़ी खड़ी थी, लेकिन ये बोले कि पापा बैक कीजिए, तो हम भी बोले बैक कर लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं और कल नए ब्लॉग के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।